नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में लगातार नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस शिकंजा कसती जा रही है, जिसमें लगातार ड्रग पेडलर और पब पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रीति जैन के बेटे यश की प्रेमिका और उसका एक सहयोगी को विजयनगर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। इंदौर में पुलिस लगातार नशे का कारोबार करने वालों की धरपकड़ कर रही है, जिसमें इंदौर के विजयनगर पुलिस ने एक महिला तरन्नुम के साथ अंकित को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं एसआईटी के चीफ राजेश रघुवंशी ने बताया कि एसआईटी की टीम में ड्रग माफिया प्रीति जैन उर्फ आंटी से पूछताछ की थी, जिसमें आंटी ने कई खुलासे किए थे। उसी मामले में विजयनगर पुलिस ने तरन्नुम नाम की महिला और उसके सहयोगी अंकित को गिरफ्तार कर पूछताछ की। वहीं पूछताछ में महिला तरन्नुम ने कई चौंकाने वाले राज खुले, जिसमें यश जैन इंदौर शहर के पब बार और रेस्टोरेंट में पार्टी के नाम पर स्कूल और कॉलेज की स्टूडेंटों को बुलाकर उन्हें नशे की लत लगा देता था। वहीं यश की प्रेमिका तरन्नुम यश के साथ मिलकर स्टूडेंटों को बेच दिया करता था। एसआईटी की पूछताछ में प्रीति जैन और आंटी ने बताया कि यश और आंटी दोनों मिलकर गिरोह संचालित कर रहे थे। वहीं पकड़ी गई तरन्नुम यश की करीबी यश के कहने पर क्लब रेस्टोरेंट पब और बार में छोटे कपड़े पहनकर अपने जाल में फंसाकर उन्हें ड्रग्स की लत लगा देती थी, जिसके बाद आसानी से लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थी। इसी के साथ यश और आंटी के साथ काम करने वाले अंकित को भी गिरफ्तार किया है। वहीं तरन्नुम और अंकित को विजयनगर पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा, जिसमें नकाबपोश लोगों के चेहरे उजागर होने की पुलिस द्वारा संभावना जताई जा रही है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि इंदौर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, उसी तारतम्य में विजयनगर थाना में कल दो गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें एक युवती है और एक युवक है। जो युवती है वो पिछले कई सालों से पब्स बार वगैरह में जाती है, होटल्स वगैरह में भी जाती है, और वहाँ पर उसका नृत्य करने का काम रहता है। इसके अलावा ये अवैध मादक पदार्थ का इसके पेडलर के तौर पे भी काम कर रही थी। पूर्व में जो विवेचना हुई है उसमें साक्ष्य प्राप्त होने पर इसकी गिरफ्तारी की गई है, और जो युवक है वो भी इसी रैकेट में शामिल है। अमूमन वो हुक्का भरने का काम, अच्छा हुक्का भरता है, इस तरह की उसकी शोहरत रही है, और वो हुक्का भरने का काम करता रहा है। और इसके अलावा जब हुक्का बार बंद हो गए हैं तो फिर इसी ड्रग रैकेट में शामिल हो गया और वो सप्लाई का काम करता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब